हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु और आज से इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स। ये कोर्स आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलने वाला है और इसके अंदर मैं आपको इतना डीपली ले जाने वाला हूँ कि आप एथिकल हैकिंग के और साइबर सिक्योरिटी के करियर फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको इस फील्ड के अंदर एथिकल हैकिंग करियर फील्ड के अंदर या फिर बोलूँ साइबर सिक्योरिटी करियर फील्ड के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्किंग सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है इस फील्ड का। नेटवर्किंग की नॉलेज होना, बेसिक से बिल्कुल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस कोर्स को डिज़ाइन मैंने एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए ही किया है या फिर इसे और भी कोई पढ़ सकता है। तो बेसिकली इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्किंग के करियर फील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहता है, बिकॉज ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं, आप इसके अंदर जा सकते हो, इसकी डीपली स्टडी कर सकते हो। तो इस कोर्स को बनाने का जो एम है वो यही है, मतलब कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए तो ये बनाए स्पेशली उन बच्चों के लिए भी बनाए जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग को पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है और उसका कोई चैप्टर है बुक के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, इतना डीपली जाने वाला हूँ बेसिक में, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये एक कंप्यूटर एजुकेशन ओरिएंटेड चैनल है जहां से आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में आज पढ़ाने क्या वाला हूँ। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का बिल्कुल इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग वर्क कैसे करती है, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इसके अंदर क्यों यूज़ होते हैं और नेटवर्किंग होती क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, डिफरेंट टोपोलॉजीज जो एक नेटवर्क डिज़ाइंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो एथिकल हैकिंग के और साइबर सिक्योरिटी के दोनों जो फील्ड हैं इनके करियर फील्ड का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है। तो सवाल ये आता है कि क्यों है मेजर पार्ट, मतलब नेटवर्किंग के बिना क्या काम नहीं होने का एथिकल हैकिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में। मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी काम नहीं होने का। देखो, हैकिंग जो होती है वो नेटवर्क से ही होती है, इंटरनेट का यूज़ करके, और इंटरनेट क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो ग्लोबली फैला हुआ है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हैकिंग का यूज़ जो होता है वो इंटरनेट का यूज़ करके ही होता है। और जब आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर होते हो और आप किसी अटैक को रोकने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि वो अटैक जो होता है वो एक नेटवर्क के थ्रू होता है, तो आप नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करते हो कुछ चीज़ों को। तो बेसिकली एक जो एथिकल हैकर होता है, या फिर मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या फाइंड करना है इस फील्ड के अंदर, नेटवर्क के अंदर, तो आपको डेटा फ्रेम्स को पहचानना आना चाहिए। आपको जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक डेटा पैकेट्स में ट्रांसफ़र होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो जाती है। जब आप कोई भी वीडियो फाइल सेंड करते हो व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी इमेजेस सेंड करते हो, तो वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में टूट जाती है और वो मतलब ट्रांसफ़र होती है एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और जो जिस स्पीड से होती है उसे हम डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कहते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो आपको ये डेटा पैकेट्स पहचानने आने चाहिए और डेटा पैकेट्स को फ्रेम करना आना चाहिए और नेटवर्क पर जो पैकेट्स जा रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर कोई नेटवर्क पर एनोनिमस पर्सन है, यानी कि गुमनाम बंदा है जो बैठा हुआ है और वहाँ से अटैक कर रहा है, तो उसे पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो बेसिकली नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन दोनों फील्ड के अंदर, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो नेटवर्किंग इज अबाउट मेकिंग डिजिटल कम्युनिकेशन हैपन बाय कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क। यानी कि मान लो आपके पास दो डिवाइस हैं या फिर मिनिमम दो डिवाइस होने चाहिए
और उनके अंदर एक एबिलिटी है दोनों के अंदर कनेक्ट होने की, तो जो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा वो एक तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास चार डिवाइस हैं, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है, एक प्रिंटर है और एक टीवी है, ठीक है, और चारों के चारों वायरलेस हैं। तो जो ये जो चारों कनेक्ट होंगे एक दूसरे से वो एक नेटवर्क के थ्रू होंगे, यानी कि इन चारों के पास एबिलिटी है और ये जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डब्ल्यू लैन, यानी कि वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आई होप आपको नेटवर्किंग क्लियर हो गई होगी, क्योंकि नेटवर्किंग के बिना कुछ भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो नेटवर्किंग जो है वो एक तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन जो है उसे क्रिएट करती है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क होता क्या है। तो अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क जो होता है वो बहुत दो मिनिमम डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आप ज़्यादा डिवाइसेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लाइक एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मान लो 10 अपार्टमेंट है, और 10 अपार्टमेंट में से अगर 6 अपार्टमेंट के अंदर भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रखे हुए हैं तो वो सारी एक तरह से डिवाइसेस हो गई, और उन डिवाइसेस से मिलकर एक नेटवर्क बिल्ड होता है। बस डिवाइसेस से मिलकर ही नेटवर्क बिल्ड नहीं होता, उसके साथ कुछ और भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस, द लिंक्स और कनेक्शन बिटवीन देम एंड द लैंग्वेज दे स्पीक टू शेयर डाटा। देखो जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ये चीज़। तो जैसे मैं हूँ और मैं सामने वाले बंदे से बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलकर बात कर रहा हूँ और उस तक बात जा रही है उसके कानों में, वो सुन रहा है, ठीक है। तो ये जो बात जाती है साउंड वेव्स के थ्रू जाती है, ऐसे ही डिवाइसेस के अंदर होता है। जो नेटवर्क होता है वो डिवाइसेस से, और जो डिवाइसेस के अंदर लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं उन दोनों डिवाइसेस के बीच में, उनसे मिलकर बनता है। और जो लैंग्वेज वो बोलना चाहते हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है, उनसे मिलकर एक नेटवर्क बिल्ड होता है। तो आप भी अपने घर में कोई भी नेटवर्क बना सकते हो। नेटवर्क कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस that are connected in various ways in order to communicate and share resources, ठीक है। यानी कि वो सारे devices जो एक तरह से computer की तरह work करती हैं, यानी कि जिनके पास ability है connect होने की किसी दूसरे device से, चाहे फिर wire से connect हो या फिर चाहे wirelessly connect हो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। वो devices जिनके पास एक तरह की ability है connect होने की अलग अलग तरीके से, यानी कि या तो वायर से या फिर वायरलेस से, और जो कम्युनिकेट कर सकती है कनेक्ट होने के बाद और अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें शेयर कर सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आपका मोबाइल, आपका स्मार्टफोन जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर आप लैपटॉप पर वीडियो देख रहे हो आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अगर आपको मोबाइल से डेटा जो है वो शेयर करना है अपने पीसी के अंदर, तो आप डेटा केबल का यूज़ करते हो, ठीक है। अब तो वायरलेस सिस्टम चल चुके हैं, वायरलेस एप्स चल चुके हैं, सॉफ्टवेयर चल चुके हैं। यूजुअली द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स। यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है, यानी कि जो मान लो आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो उनके जो बीच का नेटवर्क बनेगा वो या तो वायर के थ्रू बनेगा या फिर वायरलेसली बनेगा। अब आपको पता होगा कि आपने उन दोनों कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है और उनके बीच का नेटवर्क बना रखा है। अगर आप फाइल को या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए एथरनेट केबल यूज़ करते हो तो वो होगा एक वायर्ड कनेक्शन, जिसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसे हम लैन बोलते हैं, इस टाइप का नेटवर्क यूज़ होगा। और अगर आप वायरलेसली फाइल को शेयर कर रहे हो दोनों कंप्यूटर्स के अंदर से, मतलब आपने उन्हें वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करा, दोनों की जो फाइल्स हैं वो वायरलेसली शेयर हो रही हैं, तो उसके अंदर जो यूज़ होगा टाइप ऑफ नेटवर्क वो होगा WLAN, यानी कि वायरलेसली लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हाउएवर सम कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। यानी कि जो वायरलेस कनेक्शंस होते हैं वो रेडियो की वेव्स का, यानी कि रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं और कुछ इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज़ करते हैं।
तो अब कुछ जेनेरिक टर्म आ जाती हैं, जैसे कि द जेनेरिक टर्म नोड और होस्ट रेफर्स टू एनी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। देखो, अभी तक जो भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर आती थी या फिर जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होती थी या जो भी डिवाइस नेटवर्क पर थी, हम उसे सिंपली डिवाइस बोल रहे थे। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के फील्ड के अंदर या फिर जो यूज़ होती है इस फील्ड के अंदर मोस्टली, जिसे हम बोलते हैं। मान लो जैसे आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक स्मार्टफोन है और वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो जियो के नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसके अंदर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो आप जियो का। तो आप उसे या तो नोड बोलोगे या फिर आप उसे होस्ट बोलोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी डिवाइस नेटवर्क पर होती है आप उसे नोड बोलते हो या फिर होस्ट बोलते हो। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट की, यानी कि द स्पीड विद विच डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन आर नेटवर्क। यानी कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर और किस स्पीड से वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस स्पीड को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। यानी कि स्पीड को फ्रेम करना, स्पीड को चेक करना, उसे बोलते हैं हम एक तरह से डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र रेट स्पीड, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ अ की इशू इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो नेटवर्क साइंटिस्ट होते हैं, वो अभी भी मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमेशा से एक की इशू रहा है कि जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो स्लो ही रहती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, जो बिल्कुल डीपली स्टडी करके गए हैं इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के फील्ड में और बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव ओपन अप एन एंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखो, क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क ने एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो खोल दी है पूरी दुनिया के सामने, अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पर मतलब हम अपने घर पर बैठे किसी भी नेटवर्क का यूज़ करके या फिर मान लो इंटरनेट को एक्सेस करके या फिर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होकर कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। अब आप खुद ही देख लो कि आप इंडिया में बैठे हो और आप लंदन में बैठे बंदे को वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये सब हो किस वजह से रहा है, सिंपली एक नेटवर्क की वजह से हो रहा है। तो नेटवर्क इतना बड़ा है, मतलब एक इंटरनेट है जो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड रहते हो और आप किसी से भी मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट दूर हो या फिर मान लो आप लाखों मील दूर हो, करोड़ों मील भी दूर हो, करोड़ों मील दूर बैठे बंदे से आप एक इंटरनेट की वजह से आप बात कर सकते हो फेस टू फेस। तो ये है नेटवर्किंग की पावर और इसी ने एक अलग अपॉर्चुनिटी खोली है इस दुनिया के सामने, लाके एक नई अपॉर्चुनिटी रख दी है। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, और ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखने हैं। तो द डिवाइसेस प्रेजेंट इन द नेटवर्क आर कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट्स और हार्डवेयर। यानी कि देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी डिवाइसेस नेटवर्क पर प्रेजेंट रहती है, यानी कि जिन भी डिवाइसेस के अंदर नेटवर्क प्रेजेंट रहता है, एक तरह से नेटवर्क जो डिवाइसेस एक्सेस कर पाती हैं, वो डिवाइसेस या तो फिजिकल कंपोनेंट होती हैं या फिर एक हार्डवेयर होती हैं। आप अपना स्मार्टफोन देख लो, ये एक हार्डवेयर है। आप अपना लैपटॉप देख लो, ये एक हार्डवेयर है। या फिर आप जिस भी डिवाइस के अंदर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप उसे ही देख लो, वो एक हार्डवेयर है, ठीक है। या फिर पीसी देख लो जिसके अंदर नेट कनेक्ट हो जाता है, वो भी एक हार्डवेयर है। प्रिंटर देख लो जो मतलब कनेक्ट हो जाते हैं केबल से एक पीसी से, वो भी एक हार्डवेयर है, क्योंकि प्रिंटर के अंदर भी एक नेटवर्क एक्सेस होता है। अब तो प्रिंटर भी वायरलेस आने लगे हैं, जो मतलब आप सीधा बिना कनेक्ट करे अपने प्रिंटर को वायर्ड से आप बस कमांड दोगे फ़ोन से और वो प्रिंट कर देगा। तो कुछ रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर वो निकाल देता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की। द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द हार्डवेयर परफॉर्म टास्क। यानी कि देखो, हार्डवेयर मैंने आपको समझा दिया कि हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के, उनकी हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो हार्डवेयर है वो टास्क को परफॉर्म कर सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने वाला हूँ। जैसे कि एक स्मार्टफोन है,
अभी अगर मान लो इसके अंदर एक पीसीबी है, एक मदरबोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ है। तो अगर हमने एक स्मार्टफोन लिया, उसका एक फ्रेम लिया, हम एक स्मार्टफोन बना रहे हैं जैसे, उसका हमने एक फ्रेम लिया, उसके अंदर हमने पीसीबी लगा दी, मदरबोर्ड लगा दिया, तो हम देखेंगे डिस्प्ले वगैरह सब कुछ लगा दिया हमने, बटन वगैरह लगा दिया, तो वो चल नहीं रहा है। वो चलेगा कैसे? क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर एक कोड लिखा जाता है जो सॉफ्टवेयर करता है। अगर किसी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर वीक है तो हार्डवेयर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। बेसिकली बात यह है कि सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है जिससे हार्डवेयर जो है वो टास्क को परफॉर्म कर सके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं वो तीन चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि पहला होता है लैंग्वेज, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। सेकेंड होता है डायलॉग्स, एंड थर्ड होता है ट्रांसलेटर्स। तो ये जो हैं तीनों, जिनसे मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बना हुआ होता है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, ये अलाउ करते हैं डिवाइस को, जिससे डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है एक दूसरे के साथ। जैसे कि आपका मोबाइल आपके पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और कम्युनिकेट करने का मतलब यहाँ पर ये है, जो मैं बार बार यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ और कम्युनिकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यह कि ये दोनों एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और ये सब है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स की आपको ये याद रखनी है। पहली है लैंग्वेज, दूसरी है डायलॉग्स, और तीसरी है ट्रांसलेटर्स। तो इन तीनों को हम आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि ये तीनों जो हैं वो अलाउ करती हैं डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो अब मतलब बात आती है कि ये जो नेटवर्किंग है ये हो क्यों रही है, कर क्या रही है नेटवर्किंग, या फिर अगर हम नेटवर्किंग चला रहे हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर तो क्या क्या कर सकती है, ठीक है। या अगर हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो देखो, एवरी कॉल, मैसेजेस, ईमेल यू सेंड इज पास्ड थ्रू आ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जो भी आप कॉल करते हो, मान लो आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो किसी भी बंदे को, ठीक है, आप मैसेजेस करते हो व्हाट्सएप पे, या फिर एफबी पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, आप ईमेल करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हो, तो वो जो सब कुछ आप सेंड कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको सेंड कर रहा है, तो वो सब जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू पास होकर आई है। इसलिए जो हैकर्स होते हैं, मान लो कोई किसी को ढूंढ रहे होते हैं, एथिकल हैकर्स जो होते हैं, वो मान लो किसी अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो सिंपली ये फाइंड करते हैं इस फील्ड के अंदर कि ये जो मैसेजेस है वो किस नेटवर्क से आया। तो इसलिए नेटवर्किंग की डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो नेटवर्क पर वर्क करते हैं कमांड के थ्रू, और बहुत कुछ करते हैं। मतलब जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर जाओगे, एक्सप्लोर करोगे जितना ज़्यादा, ऐसी आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी और सीखते जाओगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, नेटवर्किंग हैपन्स व्हेन कंप्यूटर टॉक्स टू ईच अदर एज वेल। यानी कि नेटवर्किंग जब भी होती है, जब कंप्यूटर जो हैं, मान लो दो मिनिमम कंप्यूटर है हमारे पास, दो कंप्यूटर है हमारे घर में, और जब वो एक दूसरे से बात करते हैं, अब बात कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया वायर के थ्रू करेंगे या फिर वायरलेसली करेंगे। कनेक्शन हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो वायर के थ्रू या फिर वायरलेसली, या फिर जब दोनों कंप्यूटर से एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो उनके बीच में भी नेटवर्किंग होती है, ठीक है। द कंप्यूटर दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द क्लाइंट। यानी कि जब कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन के बारे में किसी चीज़ से पूछता है, तो जो पूछने वाला बंदा है उसे बोलते हैं क्लाइंट। जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर गूगल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली ब्राउज़र पर जाऊँगा और टाइप करूँगा www.google.com, या फिर अगर मान लो मुझे अपनी वेबसाइट चाहिए तो मैं टाइप करूँगा www.computerseducation.com, ठीक है। तो मैं एक क्लाइंट हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड द सर्वर। और मान लो जिससे मैंने वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ एक सर्वर पर, मेरी जो वेबसाइट है एक सर्वर पर रखी हुई है, मैंने रिक्वेस्ट की, और जो जो सर्वर जो रिक्वेस्ट को देखेगा, साइट को सर्च करेगा और फिर रिस्पोंड करेगा क्लाइंट को, तो यहाँ पर लिखा है द कंप्यूटर दैट रिस्पोंड इज कॉल्ड द सर्वर। यानी कि वो कंप्यूटर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करता है उसे बोलते हैं हम एक सर्वर, ठीक है। तो द क्लाइंट एंड द सर्वर आर बेसिकली फॉलोइंग अ प्रोसेस बाय विच दे कम्युनिकेट अ मैसेज टू इच अदर। यानी कि जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वो बेसिकली एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे जो है
दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है या फिर एक दूसरे को वो मैसेज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली दो मॉडल होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल। तो हम इसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल को पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो जैसे ये है, ये क्लाइंट है। मैंने बताया था अभी आपको, एक एग्जाम्पल दिया था, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर अपनी वेबसाइट सर्च करता हूँ यहाँ पर गूगल पर, www.computerseducation.com, मैंने गूगल पर ये URL डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्लाइंट हूँ, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जिस सर्वर पर मेरी वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है, उस सर्वर पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, देन सर्वर जो है वो रिस्पोंड करेगा, एक तरह से रिस्पॉन्स करेगा मुझे क्लाइंट को। और जो अगर इसके अंदर ये साइट होगी और तो ये साइट को उठाकर मेरी जो स्क्रीन है ब्राउज़र की उसके ऊपर लाकर मुझे दे देगा और वो साइट मुझे मिल जाएगी। इस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है, इस तरीके से नेटवर्क वर्क करता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, अब बात करते हैं सर्वर्स की। अब सर्वर्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम बात कर रहे थे जैसे अभी सर्वर से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं एक क्लाइंट हूँ और उसने मुझे रिस्पॉन्स किया और मेरी वेबसाइट मुझे लाकर दे दी। तो अब डिटेल में यहाँ पर हम सर्वर्स को देखने वाले हैं कि सर्वर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो सर्वर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइल सर्वर। जो फाइल सर्वर होता है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस फाइल फॉर मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अब मान लो आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो या फिर आप अपने एक स्कूल के अंदर हो, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक जो है एक सर्वर रखा होगा। तो उस सर्वर के अंदर सभी फाइल्स रख दी हुई होंगी, यानी कि आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल टीचर है या फिर जो आपकी जो स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब है उसके अंदर उन्होंने सारी फाइल्स जो है इंपॉर्टेंट वो रख दी होंगी। अब होता क्या है कि मान लो टीचर्स हैं बहुत सारे, अब किसी टीचर को किसी बच्चे के, अपनी क्लास के बच्चे के मार्क्स एक्सेस करने हैं और उसी के साथ साथ मान लो दूसरा टीचर भी आ गया, उसे भी अपनी क्लास के मार्क्स एक्सेस करने हैं जो उस क्लास को पढ़ाता है। देखो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एक है टीचर ए, ठीक है। टीचर ए क्लास सिक्स के मार्क्स एक्सेस करना चाहता है, टीचर बी है जो क्लास एट्थ के मार्क्स एक्सेस करना चाहता है, और एक टीचर सी है जो क्लास टेंथ के मार्क्स जो है वो एक्सेस करना चाहता है उस सर्वर से। तो बेसिकली होता क्या है कि फाइल सर्वर है वो सिर्फ फाइल को ही उनके पास भेजता है, यानी कि वो एक नेटवर्क पर है, वो तीनों जो है टीचर ए बी सी तीनों मल्टीपल यूजर्स हो गए, एक नेटवर्क पर वो होंगे, सेम नेटवर्क पर जो सर्वर होगा वो वर्क करेगा। अगर वो सेम नेटवर्क पर हैं और मल्टीपल यूजर्स हैं और वो क्लाइंट की तरह रिक्वेस्ट डालते हैं और मार्क्स एक्सेस करने के लिए परमिशन मतलब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो वो जो सर्वर है वो लाकर उन्हें फाइल्स दे देगा। तो बेसिकली जो फाइल सर्वर होता है ये रो फाइल्स को कंटेन करता है, यानी कि देखो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज के अंदर भी ये सर्वर हैं और यहाँ पर एक लैपटॉप है, दो लैपटॉप है, तीन चार पाँच, यहाँ पर पाँच लैपटॉप रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पाँचों लैपटॉप हैं और ये जो सर्वर है ये सारे एक नेटवर्क पर हैं, एक ही सिंगल नेटवर्क है जिस पर ये सारे मल्टीपल यूजर्स हो चुके हैं और ये मल्टीपल यूजर्स हैं। तो ये मल्टीपल यूजर्स यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि हमें ये फाइल्स चाहिए, ये मान लो क्लास टेंथ के मार्क्स चाहता है, ये ट्वेल्थ के मार्क्स चाहता है, ये सिक्स्थ के, ये फोर्थ के, ये सेकंड के। तो ये सभी एक नेटवर्क पर हैं, सेम नेटवर्क पर हैं और ये इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सर्वर्स होंगे ये डिफरेंट फाइल्स इन्हें ला कर दे देंगे जिस तरीके की इन्होंने रिक्वेस्ट डाली होगी। तो फाइल सर्वर जो बेसिकली यूज़ करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ये सिर्फ फाइल को ही ट्रांसफ़र करता है। अब चाहे फाइल किसी भी तरह की हो, इमेजेस फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो या फिर डॉक्यूमेंट फाइल हो, ठीक है। तो फाइल सर्वर रो फाइल्स को कंटेन करता है और FTP यूज़ करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जो सेकेंड है वो होता है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अब वेब सर्वर जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी अपनी वेबसाइट वाला, तो बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है वो वेब सर्वर पर रखी हुई है। अ कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रिस्पोंडिंग टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर टू द क्लाइंट फॉर वेब पेजेस, यानी कि जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने अभी जो है रिक्वेस्ट करी है सर्वर को, ठीक है, अपनी वेबसाइट लेने के लिए, तो उसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। तो बेसिकली वेब सर्वर जो होते हैं वो बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, और जब कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है, यानी कि जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट जो है वो टेक्निकल टर्म है और सर्वर टेक्निकल टर्म है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है ये चीज़।
तो जब कोई क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो वो सर्वर उस वेब पेजेस को अपने जो स्टोरेज है उसके अंदर सर्च करेगा। डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके अंदर बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं और बहुत सर्वर फैले हुए हैं। तो वो सर्वर जो है वो स्टोरेज के अंदर फाइल को सर्च करेगा स्पीडली और आपको रिस्पॉन्स में उस फाइल को दे देगा अगर उसके पास है तो। तो वेब सर्वर जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो यूज़ करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको दो तरीके के सर्वर बताए, दो टाइप्स के सर्वर एक्सप्लेन किए, दोनों के प्रोटोकॉल्स भी बताए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स दोनों सर्वर यूज़ करते हैं और किस तरह की फाइल्स को या किस तरह के पेजेस को ये मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको इतना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की, यानी कि ये नेटवर्किंग हम पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की नेटवर्किंग होती है। तो बेसिकली तीन टाइप्स की नेटवर्किंग होती है। बेस्ड ऑन साइज ऑफ अ नेटवर्क देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग जो है हमने नेटवर्क के जो है टाइप्स हैं उन्हें डिफाइन किया है। तो पहला जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। दूसरा होता है इससे बड़ा मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो वैन होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मैंने इस तरीके से इन्हें अरेंज किया है। आपको पता चल गया होगा कि तीन टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। और कुछ अदर नेटवर्क्स भी होते हैं जिन्हें मतलब अब बना दिया गया है, जो इन्हीं की कैटेगरी के अंडर में आ जाते हैं। तो वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, पहले इन्हें डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला जो है वो है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब देखो इस चीज़ को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि आपका एक घर है, या फिर अगर आप गाँव में रहते हो, या फिर अगर आप सिटी में रहते हो, तो आपका जहाँ पर घर है, या तो मान लो आपके घर में एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और उससे आपके चार पांच डिवाइस कनेक्ट हैं, आपका कंप्यूटर भी कनेक्ट है, आपका वायरलेस प्रिंटर भी कनेक्ट है, आपका मोबाइल भी कनेक्ट है, और आपकी मैकबुक भी कनेक्ट है, आपकी टैबलेट भी कनेक्ट है। तो बेसिकली ये बन गया एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क है जो आपने लगवाया हुआ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और उससे चार पांच डिवाइसेस अराउंड में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक नेटवर्क जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने लगवा लिया, यानी कि आपने और आपके दोस्त जो हैं, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके चार दोस्त हैं ये मान लो, और चारों दोस्तों ने आपने मिल के जो है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लिया, और चारों का घर आपका ऐसे है, मतलब दो घर आपके जो दोस्त के हैं वो आपके घर के दोनों साइड में, अपोजिट साइड्स में, और एक जो घर है वो बिल्कुल सामने आपके फ्रंट में। तो बेसिकली एक आपका घर और जो दोनों अपोजिट साइड वाले घर हैं वो, और एक फ्रंट वाला, तो चार हो गए ये घर, ठीक है। तो मान लो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सेम नेटवर्क जो आपने लगवाया है, आप उसका यूज़ करते हो और अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो और नेटवर्क से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, या फिर अगर आप फाइल वगैरह शेयर कर रहे हो या फिर वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, तो ये एक तरह का लैन बन गया, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो इसका जो एग्जांपल है वो वाईफाई कनेक्शन है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक अच्छा सा डिटेल्ड में एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है। तो इससे जो बड़ा नेटवर्क होता है लैन से, वो होता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है इसे बता देता हूँ। अ सिटी वाइड नेटवर्क इज कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। दीज आर फॉर्मड बाय इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल लैन टुगेदर। यानी कि जो मैन नेटवर्क होता है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाकर बनाया जाता है, और ये जो यूज़ होता है वो बेसिकली एक कंप्लीट सिटी के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्ट्राइक वगैरह होती है या फिर हड़ताल पर लोग उतर जाते हैं, तो होता क्या है कि वो कंप्लीट सिटी का जो नेटवर्क है उसे बंद कर देते हैं, जिससे वो जो सिटी है उस हड़ताल की जो वीडियोज़ हैं उन्हें बनाकर शेयर ना कर पाए सोशल मीडिया पर वगैरह पर, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पर यूज़ होता है नेटवर्क, अगर आप ये सोचते हो कि भाई इन्होंने पूरी सिटी का नेटवर्क कैसे बंद कर दिया, आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कई बार कि आज तो भाई गाज़ियाबाद का नेटवर्क बंद है, गाज़ियाबाद में इंटरनेट बंद कर रखा है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा। या फिर आप अपने मेरठ के अंदर ही देख लो, आपने देखा होगा कई बार, पिछले साल भी हुआ था, और
इस साल भी स्टार्टिंग में हुआ था कि मेरठ का जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया था, तो कंप्लीट सिटी का नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया था इन्होंने, जिससे आप हड़ताल वगैरह की ये वीडियो वगैरह शेयर ना कर पाओ, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सोशल मीडिया पर फैले, इसलिए वो इंटरनेट को बंद कर देती है कंप्लीट सिटी के को। तो जो कंप्लीट सिटी का जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। ये जो नेटवर्क बनाया जाता है ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाकर बनाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं अपने सबसे बड़े नेटवर्क की तरफ। जो सबसे बड़ा नेटवर्क का टाइप होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली द बिगेस्ट पॉसिबल नेटवर्क्स आर कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क और मैन, यानी कि जो सबसे बड़ा अभी तक का संभव जो बना है नेटवर्क वो वाइड एरिया नेटवर्क है, और इससे बड़ा नेटवर्क आज तक नहीं बना। तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन मैन कैन बी रियली फार अपार्ट, कैन इवन बी इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं जो इस नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, यानी कि वैन से जो कनेक्ट रहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से जो कनेक्टेड रहते हैं, अब चाहे वो एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर कनेक्ट हो और एक कंट्री इंडिया इसके अंदर कनेक्ट हो, दोनों अगर सेम नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो वो आ जाते हैं वैन के अंदर में, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर में। इसलिए आप सबसे बात कर पाते हो किसी भी कंट्री के अंदर। मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप इस कंट्री में हो और आपका भाई अगर कोई लंदन वगैरह में बैठा हुआ है तो आप उससे वीडियो कॉल कर रहे हो। सिंपली बेसिकली हो क्या रहा है, ये आप जो यूज़ कर रहे हो ना अपने डिवाइस के अंदर वो यूज़ कर रहे हो आप वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा जो पॉसिबल नेटवर्क जो अब तक बना हुआ है उसका यूज़ कर रहे हो, इसलिए आप उससे वीडियो कॉल कर पा रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। और इसका एग्जांपल एक है हमारा जिसे हम डेली यूज़ करते हैं और जिसके बिना आजकल हमारी लाइफ जीना मुश्किल हो गई है, इंटरनेट, द इंटरनेट। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये सब जितना मैंने समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, यानी कि अब कुछ और टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं जो लैन मैन वैन इन्हीं की कैटेगरी के अंडर में आ जाते हैं, जो हमने ही बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ और पढ़ा देता हूँ उनके बारे में। द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो यहाँ पर लिखा है कि स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ समझाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा टाइप होता है नेटवर्क का वो होता है लैन, उससे बड़ा होता है मैन और उस सबसे बड़ा होता है वैन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और लिखा है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। पैन इन शोर, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क वो होता है, मतलब जो आप अपने घर में जो पीसी यूज़ कर रहे हो तो आपने एक अपने लिए, बस अपने लिए ही एक वाईफाई कनेक्शन लगवा लिया है किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपने घर पे अपने लिए, और आप ही उस कनेक्शन का यूज़ करते हो, वाईफाई कनेक्शन का, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो, अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। और ये जो कैटेगरी के अंडर आता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर में आता है, यानी कि लैन के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पर लिखा है दीज ओनली वर्क अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस लाइक विद इन अ रूम, यानी कि ये जो है ये मतलब रूम के अंदर तक ही वर्क करता है। तो आप इसका एग्जांपल ब्लूटूथ में भी ले सकते हो और वाईफाई में भी ले सकते हो, जो बहुत ही शॉर्ट रेंज में वर्क करता है। ठीक है, और जो दूसरा नेटवर्क है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि कैन एक तरह से। व्हेन अ नेटवर्क नीड्स टू कवर अ फ्यू नियर बाय बिल्डिंग्स वी कैन यूज कैंपस एरिया नेटवर्क और कैन। ठीक है, तो मान लो आप यूनिवर्सिटी में अगर वगैरह में अगर जा रहे हो, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी गए होगे, ऑब्वियसली गए होगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक नेटवर्क होता है कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क होता है जिससे आपके टीचर्स होते हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं और सभी यूज़ करते हैं, मतलब उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है और एक लोकेशन होती है, एक आईपी एड्रेस होता है, उसे वे ब्राउज़र में डालते हैं, उनके जो नेटवर्क है उससे वो एक्सेस कर पाते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो उस नेटवर्क को जो है हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। तो ये बेसिकली होता है कि मतलब आपकी कंप्लीट यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंगल नेटवर्क होता है जिसे आपके सभी कॉलेजेस एक्सेस कर पाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क और कैन। तो ये सब मतलब इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं, ये लैन के अंडर में ही आता है ये जो है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि बिल्डिंग्स होती हैं बहुत सारी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब लैन समझाया था कि लैन जो कनेक्ट होता है वो या तो चार पांच बिल्डिंग के ग्रुप होता है उनके बीच में कनेक्ट हो जाएगा, या फिर
ये घर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, वही लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं और मतलब उनके अंदर एक ही नेटवर्क वर्क करता है और सभी टीचर्स उसी नेटवर्क से फाइल्स वगैरह को एक्सेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब जो मेन टॉपिक है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क डिज़ाइन। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है मतलब, तो अभी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक आपका भाई यहाँ पर आपको सब कुछ समझाएगा। देखो, द पैटर्न्स इन विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज और नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, या फिर आप नेटवर्क डिज़ाइंस भी बोल सकते हो। यानी कि जिस पैटर्न में आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर, उन्हें बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, या फिर नेटवर्क डिवाइसेस, या फिर नेटवर्क डिज़ाइंस। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं टोपोलॉजीज और नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिस भी पैटर्न में आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है, जो नेटवर्क एक्सेस कर रही है, उसे आप टोपोलॉजी बोलते हो या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हो। ठीक है, तो पहली जो टोपोलॉजी होती है वो होती है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहले आप बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। बस टोपोलॉजीज आर कॉमनली फाउंड इन वायर्ड कनेक्शन विद इन वन रूम। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर आपकी एक कंप्यूटर लैब, ठीक है, वो सिंपली क्या करते हैं, मेरे स्कूल के अंदर होता था ये, उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी सी टेबल बना रखी थी और दो तीन ऐसे रो बना रखी थी, और जो एक रो थी उसके एक साइड में भी कंप्यूटर रखे थे और दूसरी साइड में भी कंप्यूटर रखे थे। तो ऐसे दो तीन रो थी तो ऐसे कंप्यूटर्स रखे रहते थे। तो ये जो एक रूम के अंदर ही होती थी मतलब ये सभी, तो यहाँ पर यही लिखा है कि बस टोपोलॉजीज आर कॉमनली फाउंड इन वायर्ड कनेक्शन विद इन वन रूम। यानी कि ये वायर्ड कनेक्शन से बनती हैं और एक रूम के अंदर ही हम बस टोपोलॉजी को सेटअप कर सकते हैं। आप भी इस तरह का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो अपने घर में अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो, या फिर आप किसी कंपनी को वो देखते हो, या फिर मान लो कोई बड़ी सी कंपनी है और उसके अंदर मान लो एथरनेट केबल का यूज़ हो रहा है और सभी को कंप्यूटर्स को एक लाइन में रख दिया गया है और सभी बंदे आकर अपनी अपनी चेयर पर लाइन में बैठते हैं और वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वगैरह, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह, तो वो सब बस टोपोलॉजी के अंदर आ जाता है। बस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की होती है, आप यहाँ से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, देयर इज वन मेन केबल एंड ईच कनेक्टेड कंप्यूटर हैज इट्स ओन ब्रांच जॉइनिंग द मेन केबल। तो यहाँ पर जो बस टोपोलॉजी के अंदर होता है वो ये होता है कि एक मेन केबल होता है, ये वाला, ये एक मेन केबल है और हर एक जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसका जो केबल है वो इस मेन केबल से अटैच होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज वन मेन केबल एंड ईच कनेक्टेड कंप्यूटर हैज इट्स ओन ब्रांच। यानी कि ये जो एक कंप्यूटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसकी अपनी एक अलग ब्रांच है, यानी कि एक अलग केबल निकला हुआ है, इस कंप्यूटर का अलग निकल रहा है, इस कंप्यूटर का अलग निकल रहा है और इस कंप्यूटर का अलग निकल रहा है। तो इनकी जो ब्रांच है वो मेन केबल को यहाँ पर देखो ज्वाइन कर रही है, ये मेन केबल को, ठीक है। तो टोपोलॉजीज की अपनी हर एक टोपोलॉजीज जो होती हैं उनकी हर एक की एक एडवांटेज होती है, कुछ की डिसएडवांटेज होती है, और कुछ टोपोलॉजीज ऐसी हैं मतलब जो अब यूज़ नहीं होती, और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी मोस्टली यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी तक आपको ये जो दोनों पॉइंट है ये क्लियर हो गए होंगे बस टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज लिखा है टोपोलॉजी का। द डिसएडवांटेजेस विद द बस टोपोलॉजी इज दैट इफ द मेन केबल ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। यानी कि अगर ये मेन केबल मान लो कोई चूहा आ गया, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, चूहा नहीं आने का, ठीक है, ऐसी जगह सेटअप करते हैं टोपोलॉजी को, सब ध्यान में रख के सेटअप करते हैं इन बातों को। मान लो अगर बाय चांस डिफॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया इस वायर के अंदर, या ये मेन केबल जो है ये ब्रेक हो गया, तो जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं इन सब के तो नेटवर्क भाई टूट जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो मान लो अगर यहाँ से ब्रेक हुआ है, इसके अंदर यहाँ से फॉल्ट आया है, तो इससे आगे के जितने भी ये पांच कंप्यूटर हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, और ये वाला जो कंप्यूटर है, क्योंकि पीछे से बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये वाला चलता रहेगा। तो बेसिकली यही इसका एक डिसएडवांटेज, अगर मेन केबल जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन चला जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर लैब का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द कंप्यूटर लैब एट योर स्कूल प्रोबेबली यूज दिस टोपोलॉजी। यानी कि जो आपके स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब होती है वो इस टोपोलॉजी का यूज़ करती है मोस्टली। कुछ कुछ ऑफिस में भी मैंने देखा है, जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी बहुत देखा है। तो जो सेकंड होती है वो होती है रिंग टोपोलॉजी। अगर आपको नहीं पता रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, तो वो इस तरीके की होती है। इसके भी कुछ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, मैं समझा देता हूँ।
रिंग टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ रिंग, यानी कि जो डिवाइसेस होती हैं आपके पास 6000 डिवाइसेस हैं वो इस तरीके से कनेक्ट कर दी जाती हैं रिंग की फॉर्म में, और इसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी बनाई जाती है। तो आप भी अगर आपके पास 7-8 डिवाइसेस हैं आपके घर में, 7-8 कंप्यूटर्स हैं, तो आप उन्हें टेबल पर रखकर एक ऐसे एक रिंग टोपोलॉजी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एक नेटवर्क डिज़ाइन, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने घर पे नेटवर्क डिज़ाइन कैसे बना सकते हो। द डेटा हैज़ टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर टिल द डेस्टिनेशन इज रीच्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है ना वो तब तक जाता है दूसरे कंप्यूटर पर जब तक वो सही डेस्टिनेशन, जो सही लोकेशन है, उस तक पहुँच ना जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेटा शुरू हुआ, मान लो इसके पास गया, इसके पास गया, फिर इसके पास गया, इसके पास गया, यहाँ से डेटा शुरू हुआ और इसे इस कंप्यूटर को भेजना है, इस कंप्यूटर को जो है एक फाइल सेंड करनी है इस कंप्यूटर को। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये ऐसे जाएगा डेटा, पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे, 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 फिर इस पे आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब जो रीज़न है वो यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, डायरेक्टली इस पर सेंड नहीं कर सकता। अब मान लो अगर आप डायरेक्टली इस पर सेंड करना चाहते हो तो आप इस पर भी सेंड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। अब अगर बात आती है इस पर सेंड करना है तो आपको दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ही उस डेटा को भेजना पड़ेगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। इन दिस लेआउट द प्रॉब्लम इज दैट इफ वन कनेक्शन इन द रिंग फेल द एंटायर नेटवर्क मे स्टॉप वर्किंग। और ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी है, यानी कि अगर इस कंप्यूटर को डेटा जो है इस कंप्यूटर पर सेंड करना है और अगर यहाँ से ये कनेक्शन फेल हो गया तो सारा कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो डाउन चला जाएगा, सारा नेटवर्क बंद कर देगा फाइल को शेयर करना, ठीक है। और अगर ये बैकवर्ड डेटा ट्रांसफ़र यूज़ करता है तो बहुत टाइम लग जाता है, जो फॉरवर्ड यूज़ करता है उसमें फास्ट होता है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सिस्टम होता है नेटवर्किंग का रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो थर्ड जो टोपोलॉजी है वो होती है मैश टोपोलॉजी। इट इंटरकनेक्ट्स एवरी कंप्यूटर विद ऑल द अदर्स। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो एक मान लो एग्जांपल देता हूँ, चलो जैसे आपके पास 8 कंप्यूटर हैं। अब 8 कंप्यूटर्स हैं तो अभी तक बस टोपोलॉजी पढ़ाई मैंने, जिसके अंदर एक मेन केबल होता है और सबकी अलग अलग ब्रांचेस हैं और उससे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई, जिसके अंदर क्या होता है आप रिंग में जो है उन्हें सेट कर देते हो अपने कंप्यूटर्स को। अब मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या हुआ कि आपके पास अगर 8 कंप्यूटर्स हैं तो उन 8 के 8 कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे, यानी कि एक भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बचेगा जिससे वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस इमेज को देखकर, ये जो कंप्यूटर है इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने 7 कंप्यूटर दिखा रखे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट दिखा रखे हैं। तो आप यहाँ पर कनेक्शन भी देख सकते हो कितने कनेक्शन हो रहे हैं, 1, 2, 3 आप गिन सकते हो, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा वीडियो के अंदर। दिस इज डन सो दैट इवन इफ वन लिंक गोज डाउन द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। तो बेसिकली इसका एक बेनिफिट है मैश टोपोलॉजी का, वो ये है कि अगर मान लो एक लिंक जो है, एक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या फिर एक वायर खराब हो जाता है मैश टोपोलॉजी के अंदर, अगर आपने क्रिएट किया अपने घर के अंदर या फिर अपनी कंपनी के अंदर और उसका एक वायर खराब हो जाता है, तो बात यह है कि जो दूसरे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वायर से वो अभी भी काम करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, एडवांटेज वो यही है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ये वाली स्टार टोपोलॉजी आप देख रहे होंगे, इसके अंदर 5 कंप्यूटर्स इन्होंने कनेक्ट कर रखे हैं मेन हब से, ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी वेयर ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, यानी कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे 5 कंप्यूटर्स यहाँ पर कनेक्टेड इन्होंने शो कर रखे हैं इमेज में। तो आप भी अगर आपके पास 5-6 कंप्यूटर हैं आपकी कंपनी वगैरह के अंदर, तो आप एक हब के थ्रू उन 5 कंप्यूटर्स को स्टार की फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है स्टार की फॉर्म में कनेक्ट करो, आप एक सेंट्रल डिवाइस से उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए हम उसे स्टार टोपोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। द सेंट्रल डिवाइस इज यूजुअली अब हब। तो जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो यूजुअली हब होती है। अब हब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हुई होती हैं। मान लो एक हब है, उसके अंदर 10 हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, और उस 10 हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे एथरनेट केबल लगे हुए होते हैं, और उन एथरनेट केबल्स को आप अपने कंप्यूटर्स तक पहुँचा सकते हो, जो 6 या 7 कंप्यूटर्स आपके पास रखे हुए हैं। और बेसिकली वो सारे सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो उस फास्ट स्पीड का, उस हब का जो हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी हुई हैं, उस फास्ट स्पीड को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करी जाती है।
तो द डिसएडवांटेज विद दिस सेटअप इज इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल द इंटरनेट नेटवर्क गोज डाउन। तो बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपका हब खराब हो गया जिससे सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, जो सर्वर है मतलब एक तरह का वो खराब हो गया, तो सारे जो कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं वो भी बंद कर देंगे काम करना, यानी कि पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मेनली यूज़ हो रही है टोपोलॉजी वो इस टाइम आज की डेट में अगर करंट जनरेशन की बात करूँ वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो लास्ट टोपोलॉजी हमारी वो ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो वी कैन एक्ट क्रिएट हाइब्रिड टोपोलॉजी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, यानी कि जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो बनाई जाती है बहुत सारी टोपोलॉजीज अलग अलग टोपोलॉजीज को मिलाकर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज इज कॉल्ड अ ट्री टोपोलॉजीज, यानी कि एक बस टोपोलॉजी होगी ऐसे, आप देखो माउस का पॉइंटर जो है उसे देखो, एक बस टोपोलॉजी होगी ऐसे, ठीक है, और एक स्टार टोपोलॉजी है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम एक ट्री टोपोलॉजी भी बोल देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बस लाइन। ठीक है, यानी कि ये जो बनी होती है ये बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज जो होती हैं उनसे बनी हुई होती है, जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनी हुई होती है जो कनेक्ट रहती है एक सेंट्रल बस लाइन से, इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो इस तरीके की होती है जिसमें इसने डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज को यूज़ कर रखा है यहाँ पर, जैसे ये स्टार टोपोलॉजी हो गई, ये रिंग टोपोलॉजी हो गई, इस तरीके से इसने दो अलग अलग टोपोलॉजीज को यूज़ करके एक टोपोलॉजी बनाई है जो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। स्टार एंड रिंग टोपोलॉजीज आर ऑफन कम्बाइंड इन नेटवर्किंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है और रिंग टोपोलॉजी होती है उन्हें हम मिलाकर भी एक नेटवर्किंग के अंदर एक नेटवर्क बना सकते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रिंग नेटवर्क कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। और ये जो मिलकर बनती हैं वो बहुत सारे रिंग नेटवर्क्स को, मल्टीपल रिंग नेटवर्क्स को मिलकर बनती हैं और एक हब से कनेक्ट होती है सेंट्रल हब से। तो गाइस आज की जो वीडियो थी इसमें बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, थ्योरेटिकल वीडियो है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वर्किंग ऑफ नेटवर्किंग और इंटरनेट कैसे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, ये सब मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस कोर्स की और वीडियोज़ आए आगे और आपको ये कोर्स अच्छा लगा, तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।